हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमने बनाया है स्नैक्स, वो भी बची हुई रोटियों का। बहुत घर पे पड़ी थी, पता नहीं क्या करूं, तो मैंने उसका कुछ ये वाली रेसिपी बना दी। सो सबसे पहले यहाँ पे थोड़े से बेसन का आटा लिया, फिर थोड़ी सी सूजी डाली, और उसके बाद वेजीज जिसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं ऑनियन, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़े से कैरेट, और उसके बाद थोड़े से कैबेज, एंड उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम। फिर उसके बाद डालना है थोड़ा सा सॉल्ट एंड पाव भाजी मसाला। अगर ना हो तो आप अपने पसंद का मसाला और अपने पसंद की वेजीज डाल सकते हो। उसको मिक्स कर देंगे, फिर हम उसके अंदर डालेंगे वाटर। मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, हमें मिक्सचर को कुछ इस तरीके का बनाना है, आप जैसे कि आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे रोटी लेनी है, और रोटी को हम अच्छी तरह से चार हिस्सों में उसको काट लेंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें उसके अंदर जो मिक्सचर रेडी किया था वो स्प्रेड करना है, और कुछ इस तरीके का हम लोग चारों जो पीसेस हैं उस पे ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जैसे ही आपके वो स्प्रेड हो जाए, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे लेना है पैन, उसके अंदर बटर या ऑयल डालेंगे। फिर उसको जो बनाई थी वो रोटियाँ, उसको हमें उल्टे साइड से रखना है, कुछ इस तरीके से हमें रखना है। और उसके बाद जो मिक्सचर था उसको हम उसके ऊपर भी स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही वो नीचे वाला साइड भुन जाए मिक्सचर लगाने के बाद, हम उसको टर्न कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बटर की ज़रूरत हो, ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना हो, तो आप उसके अंदर बटर, ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। और मैंने उसको 2-3 बार टर्न किया है क्रिस्पी करने के लिए। बहुत इजी है, बहुत झटपट बन भी जाएगा, और एटलीस्ट बची हुई रोटी का यूज़ हो जाएगा। सो दैट्स इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।